दोस्तों, सिडनी में हो रहे भारत और नीदरलैंड मैच में भारत ने नीदरलैंड को 56 रनों से हरा दिया है। रोहित शर्मा के 53 रन, विराट कोहली के 62 रन और सूर्य कुमार यादव के 25 गेंदों में 51 रन की बदौलत भारत ने नीदरलैंड के लिए 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाने का लक्ष्य दिया। इन तिकड़ी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देखकर नीदरलैंड के बॉलरों ने अपने घुटने टेक दिए। यदि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा इन तीनों में से किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड के बल्लेबाज 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना पाए। नीदरलैंड की ओर से टीम प्रिंगल ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, हर्षदीप सिंह, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन ने 2-2 विकेट लिए, वहीं भी मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। दोस्तों, इस जीत के साथ टीम इंडिया सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 में पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब भारत के 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हो गए हैं। भारत का अगला मुकाबला अब 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी इंडियन टीम ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करती रहे और वर्ल्ड कप जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।